वाहेगुरु। तो कैसे हैं आप सब लोग? अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए। तो चलिए फिर आज की इस मजेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के आइसक्रीम क्लास में मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी से कस्टर्ड आइसक्रीम की रेसिपी। नॉर्मली गर्मियों में हमें पसंद होता है फ्रूट कस्टर्ड खाना, तो ज़रूर से ये कस्टर्ड आइसक्रीम भी आप बना सकते हैं। गर्मियों में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। इसे बनाना भी बहुत ही आसान है, घर पर रखी सिंपल चीज़ों से आप इसे बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फिर इस मज़ेदार से ये आइसक्रीम को बनाना शुरू करते हैं। तो कस्टर्ड आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे आधा कप दूध ले लेंगे। ml के हिसाब से देखें तो ये 125 ml मैंने यहाँ पे दूध का इस्तेमाल किया है। दूध जो आप इस्तेमाल करेंगे वो फुल क्रीम होना चाहिए और साथ ही कच्चे दूध का ही आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो इस दूध में अब हम यहाँ पे डाल देते हैं कस्टर्ड पाउडर। तो 4 tablespoons मैंने यहाँ पे इसमें कस्टर्ड पाउडर डाल दिया है। मैंने यहाँ पे जो कस्टर्ड पाउडर इस्तेमाल किया है वो ये वनीला फ्लेवर का है। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का जो कस्टर्ड पाउडर होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 4 tablespoons मैंने दूध में कस्टर्ड पाउडर डाल दिया है। अच्छे से सारी चीज़ों को हमें यहाँ पे मिक्स कर लेना है और एकदम इसमें कोई भी लम्स नहीं रहने चाहिए। मिक्स हो गया है तो अब हम इसे साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पर एक मोटे तले का बर्तन ले लेंगे और इसमें डालेंगे 1 cup दूध। ml के हिसाब से देखें तो ये 250 ml मैंने यहाँ पे मिल्क इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पे जो दूध आप ले रहे हैं वो कच्चा होना चाहिए, साथ ही फुल क्रीम दूध का आपको इस्तेमाल करना है। पानी मिक्स या फिर गाय के दूध का इस्तेमाल बिल्कुल भी आइसक्रीम बनाने के लिए आप ना करें। तो यहाँ पे इस दूध में अब हम डाल देते हैं पाउडर शुगर। तो मैंने यहाँ पे 1/4 यानी कि 1/4 cup पाउडर शुगर डाल दिया है। नॉर्मल चीनी अगर आप डाल रहे हैं तो 2.5 tablespoons आपको डालना है। पीस के डाल रहे हैं तो 1/4 cup आपको यूज़ करना है। इसी के साथ हम डाल देते हैं 1/4 cup यहाँ पे मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर भी आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, आप चाहें तो डेरी वाइट नल भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इस आइसक्रीम की रेसिपी में हम कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि हम ये कस्टर्ड आइसक्रीम बना रहे हैं और कस्टर्ड हमने ऑलरेडी एक दूध में मिक्स करके रख दिया है। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और बिल्कुल इसमें लम्स नहीं है। तो अब हम इसे गैस पे रख देते हैं और इसे कंटिन्यूसली मिक्स करते हुए लगभग 2 मिनट के लिए इसे हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे। हल्का सा ये जब गर्म होगा तब हम इसमें ये कस्टर्ड वाला जो हमने मिक्सचर तैयार किया है वो डालेंगे। ध्यान रखें इसमें बॉयल नहीं आना चाहिए, बस ये थोड़ा सा जब गर्म हो जाएगा ना तब आपको क्या करना है, जो कस्टर्ड वाला मिक्सचर हमने तैयार करके रखा है उसे थोड़ा सा पहले मिक्स कर लें और ये सारा मिक्सचर हम यहाँ पे दूध वाले मिक्सचर में इसमें डाल देंगे। तो थोड़ा सा जब दूध गर्म हो जाए उसके बाद ही आप इसमें ये डालें और अब आपको इसे कंटिन्यूसली मिक्स करना है बिल्कुल लो फ्लेम पे लगभग 3 से 4 मिनट के लिए। अच्छे से हमें इसे पकाना है ताकि जो कस्टर्ड पाउडर है वो भी अच्छे से बढ़िया से कुक हो जाए। कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद आपको क्या होगा, ये जो मिक्सचर है बहुत जल्दी से गाढ़ा हो जाता है, तो ध्यान रखें इसे कंटिन्यूसली मिक्स करें ताकि ये नीचे से जले ना। तो इस तरीके से मिक्स करते हुए लगभग 3 से 4 मिनट के लिए मैंने इसे कुक कर लिया है और आप देख सकते हैं ये मिक्सचर काफ़ी गाढ़ा हो गया है, बहुत शाइन है इसमें, अच्छे से इसमें एक उबाला भी आ गया है, अच्छे से एक बॉईल आ गया है। तो बस अब यहाँ पे गैस को कर देते हैं बंद और इस मिक्सचर को हमें रूम टेम्परेचर पे पूरी तरह से ठंडा कर लेना है। ध्यान रखें ये मिक्सचर ठंडा होने के बाद और भी गाढ़ा होता है, तो 1-2 बार आप बीच में इसे मिक्स ज़रूर से कर लें ताकि इसमें बहुत ज़्यादा गुटलियाँ ना पड़े। इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं और यहाँ पर अब ले लेते हैं 1 cup नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम। 250 ml मैंने यहाँ पे नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल किया है। क्रीम जो हमने ली है वो एकदम लिक्विड फॉर्म में है लेकिन इसमें बिल्कुल भी बर्फ जमी हुई नहीं है, आइस क्रिस्टल्स नहीं होने चाहिए जब भी आप क्रीम को बीट करने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन जो आपकी क्रीम है वो एकदम ठंडी यानी कि चिल्ड होनी चाहिए। मीडियम स्पीड पे अब हम इसे लगभग 2-3 मिनट के लिए अच्छे से यहाँ पे बीट कर लेंगे ताकि इसमें बढ़िया से सॉफ्ट पीस बनने लगे और क्रीम की जो क्वांटिटी है वो भी डबल हो जाए। नॉर्मली जब केक सजाने के लिए क्रीम को व्हिप करते हैं तो हमें एकदम बढ़िया से स्टिक पीक्स आने तक व्हिप करना होता है, लेकिन आइसक्रीम के लिए आप थोड़ा सा क्रीम को कम भी व्हिप करते हैं तो चलता है। तो सॉफ्ट पीक्स बन रही हैं, बढ़िया से क्रीम व्हिप हो चुकी है हमारी। अब इसमें हम 1/4 यानी कि 1/4 cup डाल देते हैं कंडेंस मिल्क। होममेड या रेडीमेड कोई भी ले सकते हैं। इसी के साथ ही जो हमारा कस्टर्ड वाला मिक्सचर था वो भी बहुत ही अच्छे से ठंडा हो चुका है। इस मिक्सचर को पूरी तरह से ठंडा होने के बाद ही आपको इस्तेमाल करना है और आप देख सकते हैं पहले से ये गाढ़ा भी हो गया है। सारा ये मिक्सचर अब हम इसमें डाल देते हैं और अब यहाँ पर मीडियम स्पीड पे लगभग 40 से 50 सेकेंड्स के लिए हमें अच्छे से इसे यहाँ पर बीट करना है। इस तरीके से मीडियम स्पीड पे अच्छे से हम इसे बीट करेंगे ताकि बिल्कुल स्मूथ और एकदम क्रीमी टेक्सचर में हमारा सारा मिक्सचर तैयार हो, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए। तो काफ़ी अच्छे से आप देख सकते हैं मैंने इसे बीट कर लिया है, यहाँ पे अच्छे से व्हिप कर लिया है और एकदम स्मूथ है ये मिक्सचर। कलर भी बहुत ही प्यारा है,
आप देख सकते हो एकदम स्मूथ और एकदम बढ़िया ये मिक्सचर हमारा यहाँ पे तैयार हुआ है। तो अब यहाँ पे बढ़िया से इसमें टेस्ट के लिए मैं थोड़ा सा टूटी फूटी डाल रही हूँ, लगभग 3 टेबल स्पून के जितना। आप चाहें तो यहाँ पे इसमें थोड़े से रोस्टेड नट्स भी डाल सकते हैं। तो मैंने टूटी फूटी डाला है, कस्टर्ड आइसक्रीम में टूटी फूटी का फ्लेवर बहुत अमेजिंग आता है। आप चाहें तो इसे सर्व करते टाइम थोड़े से फ्रेश फ्रूट्स के साथ भी सर्व कर सकते हैं इस आइसक्रीम को। तो मैंने टूटी फूटी डाल दिया है, अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे यहाँ पर। और अब इसे हमें यहाँ पे एयर टाइट कंटेनर में डालना है। तो टोटल जो आपकी ये आइसक्रीम तैयार होगी 1.6 लीटर की आपकी आइसक्रीम यहाँ पे तैयार होगी जब ये बनकर रेडी होगा। तो यहाँ पे मैंने सारा आइसक्रीम का जो मिक्सचर है वो एयरटाइट कंटेनर में डाल दिया है। अब इसे थोड़ा सा ना टूटी फूटी के साथ हम थोड़ा सा और गार्निश कर लेते हैं ताकि ये ऊपर से भी बहुत ही बढ़िया लगे हमारी आइसक्रीम। और अब हम इसे कवर कर लेंगे और इसे यहाँ पे हमें फ्रीज़र में सेट होने के लिए रखना है लगभग 10 से 12 घंटे के लिए। आप चाहें तो इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं फ्रीज़र में। जब भी फ्रीज़र में आइसक्रीम को सेट होने के लिए रखें फ्रीज़र का टेम्परेचर आपको हाई रखना है। तो बढ़िया से ओवरनाइट के लिए मैंने आइसक्रीम को सेट कर लिया है, सेट हो चुकी है आइसक्रीम। तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। एकदम सॉफ्ट है, क्रीमी टेक्सचर है आइसक्रीम का, बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल इसमें नहीं जमे हैं। इस तरीके से अगर आप बनाते हैं आइसक्रीम तो बिल्कुल परफेक्ट आपकी मार्केट जैसी घर पर आइसक्रीम आप तैयार कर सकते हैं। ज़रूर से ट्राई कीजिए, इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं, टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग आता है इस वाली आइसक्रीम का। तो एक बार ज़रूर से इसे आप बनाइए और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। इसे अगर आप ट्राई करते हैं तो इसकी फ़ोटोज़ हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर से आप शेयर कर सकते हैं। आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से कर दीजिए, साथ ही कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।